लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड फायर फाइटर डे है। जब भी फायर फाइटर्स की बात होती है तो वही लाल रंग की फायर ब्रिगेड की गाड़ी और फायर फाइटर्स की टीम याद आती है, जिसमें शायद ही कभी किसी ने महिला फाइटर को देखा हो। देश में कुल 55,000 सरकारी फायर फाइटर्स हैं, पर इनमें महिलाओं की संख्या अब भी गिनती की ही है, वो भी तब जब महिलाएं फाइटर जेट्स तक उड़ा रही हैं। देश को पहली महिला फाइटर ही आजादी के 55 साल बाद मिली थी। फायर मिलिट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडवाइजर देवेंद्र कुमार शमी के मुताबिक, राज्य सरकारों को मिलाकर देश में कुल 55,000 फायर फाइटर्स हैं। वहीं अगर सरकारी उपक्रम और निजी कंपनियों को मिला दें तो देश में इन फायर फाइटर्स की संख्या 1,25,000 के करीब है, जबकि इनमें महिलाएं 1/4 भी नहीं हैं। आजादी के 55 साल बाद फायर डिपार्टमेंट में पहली बार एक महिला इंजीनियर की भर्ती हुई, लेकिन फ्रंट में इन्हें मौका काफी बाद में मिला। 2017 में मुंबई में करीब 100 फायर फाइटर्स को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोलकाता में 4 वुमन फाइटर्स को शामिल किया है। वहीं दिल्ली फायर सर्विस के डीजी राजीव रतन के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में एक भी फीमेल फायर फाइटर नहीं है। हर्षिनी कान्हेकर को देश की पहली महिला फायर फाइटर के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 2002 में इस फील्ड में लड़कियों के लिए रास्ता खोला था। उन्होंने जब नागपुर के नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में दाखिला लिया था, तब वो अकेली महिला थी। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का अकेला फायर इंजीनियरिंग कॉलेज था। उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं दी हैं।